हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रोन टेक डॉक्टर वंस अगेन। होप एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड। एक क्वेश्चन, रेगुलेशंस जैसे आपको पता है कि रिलैक्स कर दी गई हैं, तो उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, उसी के बारे में ये वीडियो है कि हमारे पास मैविक मिनी है और उसमें 15 मीटर की हमारी लिमिट है। अब नई रिलैक्सेशंस जो हो गई हैं नए रूल्स में, तो हम उसको 15 मीटर वाला वो लॉक हटेगा या नहीं हटेगा, तो इसके बारे में बताने वाला हूँ। थोड़ा इसमें लोगों को लग रहा है कन्फ्यूजन कि जो रिलैक्सेशन हो गई है तो उसकी वजह से क्या ये 15 मीटर का जो लॉक है वो खुल जाएगा या नहीं खुलेगा, वो मैं क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे सबसे ज़्यादा आया। उसके बाद आगे हम क्यू एंड ए भी करेंगे। अगर नए चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करें, इस चैनल पे लेके आते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एंड टेक प्रोडक्ट्स, उसमें सब कुछ आता है टेक में जो मैं यूज़ करता हूँ, उसकी नॉलेज मैं शेयर करता हूँ, जैसे मोबाइल्स वॉचेस जो भी है उस पर अनबॉक्सिंग भी चलते हैं, सब आता है। और एज ए डॉक्टर कभी कभी मैं यहाँ पे हेल्थ टिप्स भी देता हूँ। तो 15 मीटर वाली जो लिमिट है ना, वो आपको मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर कि जो नई रेगुलेशंस आई हैं वो रिलैक्सेशन के लिए तो आई हैं। उन्होंने तामझाम कम किया है कि लोगों को ड्रोन लेने में आसानी हो, लोगों को ड्रोन उड़ाने में आसानी हो, और एक प्रॉपर रेगुलेशन हो, और वो ऐसी रेगुलेशन हो जो हम फॉलो कर पाएं और आसानी से एक्सेसिबल हो सब कुछ। तो ये सब करने के लिए और इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए सब कुछ किया गया है, और काफ़ी प्लेयर्स अच्छे अच्छे ड्रोन मैन्युफैक्चरर में इंडिया में आने वाले हैं, इवन इंक्लूडिंग DJI। तो ये सब कुछ तो मैंने आपको बताया था, जिसको नहीं पता डिटेल में मैं कार्ड पे डाल लूंगा, देख लें क्या नया रेगुलेशन में आया, वो लॉ बन चुका है। अब आगे जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि कैसे रजिस्टर करवाना है, ये इंपॉर्टेंट है इस आंसर, जो आज का टॉपिक है हमारा कि रजिस्ट्रेशन क्या है, और हमें समझ में लेना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं हुई है, मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। जो पीछे जो रिलैक्सेशन हुई थी लॉज में इस पर्टिकुलर टॉपिक में माइक्रो ड्रोन्स और जो ये नैनो ड्रोन, क्योंकि मिनी जो है वो नैनो ड्रोन में आता है, नैनो ड्रोन का मतलब है जो 250 ग्राम से नीचे है, तो मिनी हमारा जो है नैनो ड्रोन है और इस पे लॉक लगा हुआ है, 15 मीटर के ऊपर ये नहीं जा पाता एल्टीट्यूड में। अब रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन जैसे हम अपनी गाड़ियों का RC नंबर, आप सबको मालूम है, जो नए देख रहे हैं उनको भी बता देता हूँ कि वो एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है हमारी गाड़ियों को, जिससे पता लगता है कि ये गाड़ी किसकी है, कोई प्रॉब्लम आए या कुछ एक्सीडेंट कुछ भी हो, तो उस नंबर से हम ओनर के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब ये हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं हुई है, मैं आपको क्लियर करता हूँ, रजिस्ट्रेशन अभी भी है, माइक्रो ड्रोन्स को रजिस्टर कराना पड़ेगा। अब माइक्रो ड्रोन्स कौन से हैं, जो 250 ग्राम से ऊपर है और 2 kg से नीचे हैं, मतलब 250 ग्राम से 2 kg के बीच में जो ड्रोन्स हैं वो माइक्रो ड्रोन्स हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन बंद नहीं हुई है, इनको हमें रजिस्टर करवाना पड़ेगा। क्यों करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये ड्रोन जो है इनकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे आप सब जानते हैं मैविक प्रो, फैंटम, ये बहुत ही बड़े अच्छे कैपेबल ड्रोन्स हैं। अब इनको रेगुलेट करने के लिए, उन्होंने लॉ में रजिस्ट्रेशन रखा था, जो कि बहुत पहले से चलता आ रहा है और अभी भी है। माइक्रो ड्रोन्स की आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, क्यों करानी पड़ेगी, क्योंकि इनकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम अगर आती है, इनकेस अगर आती है, तो उस रजिस्ट्रेशन के हेल्प से ओनर तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं नैनो ड्रोन पे। नैनो ड्रोन को अगर उन्होंने पूरा खोल दिया, नैनो ड्रोन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो शुरू से नहीं है, अभी भी नहीं है। आप अगर आप मिनी लेते हैं, आपको रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा, तो आप कहेंगे अब रिलैक्सेशन क्या, रिलैक्सेशन ये हुई है कि आपको जो माइक्रो ड्रोन है उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बीच में वो भी मैंडेटरी कर दिया था इन्होंने, तो अब लाइसेंस कहाँ बनाएगा आम आदमी। अब मैं हूँ, मुझे माइक्रो ड्रोन चाहिए, यूट्यूब मैं कहीं जा रहा हूँ, मुझे अच्छे ड्रोन शॉट लेने हैं, अब मुझे लाइसेंस भी लेना पड़ेगा। मैं काम आदमी हूँ, मैं लाइसेंस क्यों लूँ, मेरा अपना अलग बिजनेस है, मैं उन पछड़ों में क्यों बढ़ूँ। तो वो चीज़ हटाई है कि अब रिलैक्सेशन कर दी, अगर मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए माइक्रो ड्रोन कहीं लेके जा रहा हूँ और एक फ्री एरिया में चढ़ा रहा हूँ जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो मुझे लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑन अदर हैंड अगर मैं एक बिजनेस चलाता हूँ माइक्रो ड्रोन से, तब मुझे लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन किया गया। अब नैनो ड्रोन पे आते हैं फिर से कि नैनो ड्रोन में अगर वो कैपेबिलिटी आ गई, तो एक्सीडेंट्स वगैरह, मतलब एयर स्पेस में अगर ज़्यादा ऊपर उसको अलाउ कर दिया, नंबर एक तो वो छोटा है, 250 ग्राम से नीचे है, अगर वो ऊपर जाएगा, इतना ऊपर अगर अलाउ कर दिया गया, एक तो उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऊपर जाके कुछ प्रॉब्लम हो गया, किसी वो अनकंट्रोल हो गया, हवा ज़्यादा में बह गया और कहीं जाके, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी पता नहीं लगेगा किसका था ड्रोन, किसका नहीं था, उस पर कोई नंबर नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये इस वजह से जो वो लॉक है वो नहीं खुलेगा। ऑन द अदर हैंड अगर वो इसको अलाउ करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए,
तब आप कहेंगे कि इतना छोटे ड्रोन को रजिस्टर क्यों करवा दिया, तब सभी बोलेंगे ना ये। तो वो एक कैटेगरी बना दी गई है कि ये जो है ड्रोन, ये छोटा ड्रोन है, इसको आप रजिस्टर मत करवाएं, खरीदें और उड़ाएं, लेकिन ज़्यादा उसको ऊंचा नहीं ले जा सकते। अगर आप ज़्यादा ऊंचा लेना चाहते हैं, आपको शौक है, फ़ायदा भी उसी में है, तभी तो मज़ा आएगा और ड्रोन शॉट्स का, तो मिनी आपके लिए नहीं है। अगर आपने उस हिसाब से लिया कि मिनी को लेके बहुत ऊपर उड़ाएंगे तो आप भूल जाएं। तो जो जो भी बंदा मिनी लेने वाला है इस ख्याल में कि सस्ता है और काफ़ी ऊंचा ले जाएगा, तो नॉट पॉसिबल। और जो ले चुके हैं मिनी और चाहते हैं कि हम इसको उड़ाएं, लॉक को तोड़ दें, वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं होने वाला है, नए रेगुलेशन के हिसाब से भी। बाकी इसके अलावा और कोई हैक अगर आता है तो वो हैक आपको मालूम है, वो गलत चीज़ें होती हैं, घुमा के की जाती हैं, तो उससे नुकसान भी हो सकता है। बट इनकेस अगर कोई आता है एज ए टेक, जो यहाँ पर हमारा ड्रोन टेक की बात भी होती है, तो अगर कोई ऐसा अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। पर फ्रेंकली स्पीकिंग ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप मिनी लेके बैठे हैं तो मिनी आप 15 मीटर तक ही उड़ाएं, वो सेफ्टी के हिसाब से बहुत बढ़िया। और इनकेस अगर आप चाहते हैं ऊंचे ऊंचे ड्रोन शॉट्स, देन मैविक को छोड़ दें और माइक्रो कैटेगरी में आएँ और फिर पूरा लुत्फ उठाएँ अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस, जो कि अब काफ़ी रिलैक्स हो गई। तो ये था आज का ज्ञान पूरा। मैंने ये क्वेश्चन बहुत आ रहा था, तो दो बातें क्लियर हो गई कि रजिस्ट्रेशन बंद नहीं हुई है, लाइसेंसिंग पर्सनल यूज़ के लिए माइक्रो ड्रोन्स की हटा दी गई है। नंबर दो, रजिस्ट्रेशन अभी भी लागू होगी। नंबर तीन, कैसे होगी? और एक क्वेश्चन आ रहा था कि हमारे पास जीएसटी नहीं है, जीएसटी की क्लॉज लगी हुई है, उसके ऊपर भी कुछ अपडेट मेरे पास आ रही है, वो अभी पूरी तरह से क्लैरिफाइड नहीं है। जैसे क्लियर होगी मैं वीडियो बनाऊंगा कि काफ़ी ऑलमोस्ट 70% जो ड्रोन्स हैं जो मेरे पास है, जो आपके पास है, जो लोग ये अभी देख रहे होंगे वीडियो, उनके पास पता है कैसे आया? कोई यहाँ पर डीजे का स्टोर होता है नहीं जो हमें जीएसटी काट के देगा, ये तो ऑब्वियस ही बात है। ये सरकार को भी मालूम है ये क्लॉज डालनी गलत थी, तो इस पर भी अमेंडमेंट हो जाएगी, कोई बात नहीं। आप ये वीडियो अच्छे से फैलाएं ताकि ये बात हाईलाइट हो और काफ़ी लेवल पे हो भी रही है, तो वो जीएसटी वाले क्लॉज मेरे हिसाब से हट जाएगा, तो उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी कुछ बातचीत चल रही है, जैसे कन्फर्म होता है मैं आपको अपडेट दूंगा। फिलहाल इसका कंक्लूजन ये है कि 15 मीटर वाला जो लॉक है वो नहीं हटेगा। अगर आप 15 मीटर से ऊपर ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो मिनी को छोड़ दीजिए और मैविक मतलब माइक्रो कैटेगरी में आ जाइए। थैंक यू, होगा आपको अच्छा लगा वीडियो। इससे रिलेशन में कोई भी आपका सवाल अभी भी दिमाग में है, जो समझ नहीं आया है, मैंने बहुत क्लियरली आपको बताया, हो जाता है कई बार, तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आप बताएं कि ये सही स्टेप है या नहीं। मेरे हिसाब से तो मैं इसको सही मानता हूँ, अगर छोटा ड्रोन है उसको छोटा ड्रोन को छोटे नीचे ही रहना चाहिए, बड़े ड्रोन को ही जिसमें कैपेबिलिटी ज़्यादा है कंट्रोल की और सब कुछ, उसी को ऊपर जाना चाहिए। और उसके लिए जिम्मेवारी भी आपकी बनती है, भाई जिसका बड़ा ड्रोन है उसमें उसका नंबर लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको पकड़ सकते हैं, तो उस हिसाब से बंदा भी ध्यान से उड़ाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मेरे ड्रोन ने कुछ गड़बड़ की, नंबर उसके ऊपर लगा हुआ है, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये सेफ्टी के हिसाब से, सबकी, हम की, आपकी, सबकी सेफ्टी के हिसाब से ये सही है, और ये हर जगह लागू है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, रजिस्ट्रेशन वाला चक्कर हर जगह, तभी ये स्मार्टली ये मिनी ड्रोन बनाए गए हैं, क्योंकि लोगों को खाली वो ज़्यादा ऊपर से शॉट्स नहीं लेने होते, लोगों को ऐसे भी होता है कि हम अपने फैमिली के साथ गए हैं कि थोड़ा सा ऊंचा से हमारी सारी फैमिली को कोई कवर करने के लिए आ जाए, तो उसके लिए 15 मीटर बहुत है। तो जो मिनी का पर्पस है डीजीए का, वो यही बनाने का यही है कि जो ज़्यादा वो नहीं है एंथुजियास्टिक, सिर्फ अपना एक ड्रोन शॉट छोटा सा लेना चाहते हैं, मतलब अपनी फैमिली को कवर करना चाहते हैं या एरियाज कवर करना चाहते हैं, थोड़ा ऊपर से लॉन्ग शॉट लेना चाहते हैं और वो लाइसेंस सॉरी रजिस्ट्रेशन के चक्करों में नहीं पड़ना चाहते, तो उनके लिए मिनी बनाया गया। तो अगर आपकी लिमिट वैसी है तभी मिनी को खरीदें या रखें, अदरवाइज माइक्रो कैटेगरी में आ जाइए। आपका स्वागत है, थैंक यू।